झारखंड चुनाव के लिए जेएमएम ने अपने उम्मीदवारों की दो लिस्ट जारी कर बीजेपी की नींद उड़ा दी है। पहली लिस्ट में सीएम सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन सहित बसंत सोरेन का भी नाम शामिल है, तो वहीं दूसरी लिस्ट में महुआ मांझी का नाम शामिल है। तो किस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं ये दिग्गज और इन सबसे क्यों परेशान है बीजेपी, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड में लगातार बीजेपी को लग रहे झटकों के बीच जेएमएम ने अपने उम्मीदवारों की दो लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में पार्टी ने 35 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इस लिस्ट में सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम शामिल है। सीएम हेमंत सोरेन एक बार फिर बरहेट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि कल्पना सोरेन गांडेय विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगी। वहीं दुमका विधानसभा सीट से हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन फिर से चुनावी मैदान में होंगे। वहीं दूसरी लिस्ट की बात करें तो इसमें सिर्फ एक नाम को शामिल किया गया है और वो नाम है सांसद महुआ मांझी का, जो कि रांची से चुनाव लड़ेंगी। बता दें कि जहां एक ओर जेएमएम लगातार अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही है, तो वहीं चुनाव की तारीख नजदीक आते आते बीजेपी की हालत खराब होती हुई दिख रही है, क्योंकि हाल ही में जेएमएम ने बीजेपी के कई नेता झटक लिए हैं, जिसमें लुईस मरांडी का भी नाम शामिल है। लुईस मरांडी को बीजेपी सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ उतारना चाहती थी, लेकिन जेएमएम ने ये होने नहीं दिया। बताते चले कि झारखंड में दो चरणों में वोटिंग होनी है, जिसमें 13 नवंबर को पहले चरण और 20 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। वहीं नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।